नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज़ बस पे। आज हम बिहार दरोगा कैंसर की डिस्कस करेंगे जो 11 मार्च 2018 को संपादित हुआ था, और YouTube पर बहुत सारे आंसर अवेलेबल हैं। फिर भी हमने कोशिश की है कि इसमें एररलेस हो, बिल्कुल जितने भी सवालों का हम आंसर दें वो बिल्कुल सही हो, और इसे हमने भी क्रॉस वेरीफाई किया है, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो प्रथम सवाल है कि संघ और संस्था बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका आंसर होगा केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन की मोटाई का कम होना। संयुक्त राष्ट्र दिवस है 24 अक्टूबर। फोर्थ है राष्ट्रीय अभ्यारण के संदर्भ में सुमेलित कीजिए, ये मेनली टाइगर रिजर्व थे जिसे आपको सुमेलित करना था। पेरियार केरल में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और समलीपाल उड़ीसा में है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, इसका आंसर होगा हाइड्रोमीटर। सीमांत गांधी का दूसरा नाम क्या था, तो सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खां को। साथ है सुमेलित करें शिप निर्माण कोच्चि, साइकिल लुधियाना, ऑटोमोबाइल जबलपुर। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उसे फिर मुक्त कर देते हैं नाइट्रोजन के रूप में। हवा से हुए परागण को एनिमोफिली कहते हैं या वायु परागण कहते हैं। युवा कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, दिल्ली पुलिस से जुड़ा है या दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कश्मीर है। क्षत्रिय नृत्य का संबंध असम से है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में। समस्थानिक जिसमें समान परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की, तो आंसर होगा गुरु अंगद। कथन कारक नेक्स्ट स्टेटमेंट था हिमालय नदियों से संबंधित, तो इसका दोनों कथन और कारण दोनों सही है, और कारण सही एक्सप्लेनेशन है कथन का। किसी भी राष्ट्रीय दल को बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों से मान्यता जरूरी है। और नेक्स्ट सवाल था कि भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन किससे संबंधित था, तो कृषि ऋण से संबंधित था। नीमो बाजगो बांध है सिंधु नदी पर। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उससे क्या आशय है, तो उसका मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अम्बेडकर ने किसकी स्थापना नहीं की थी, तो दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना नहीं की थी। इसमें हमें डाउट है, आप इसका आंसर देख लीजिएगा, अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो आप कमेंट में बताएं। 22 जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता, इसमें आंसर है निष्पंदन। 23 NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। कीट दंश में खुजली होती है तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। नसरुद्दीन शाह, ग्रीस कर्नाड, डॉली ठाकरे एवं मरकन देशपांडे का संबंध है, तो ये थिएटर से संबंधित है, इसका आंसर होगा ऑल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण कहाँ है, तो आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। 27वां है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध। इसका प्रश्न था कि द क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, तो इसका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, मीन्स द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के यह अगेंस्ट है। भूमध्य रेखा किससे नहीं गुजरती थी, तो इसका आंसर होगा मैक्सिको। विश्व इतिहास में परमाणु आपदा है 6 अगस्त 1945 को। फर्स्ट हस्तांतरण मूल्य का संबंध है एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से होती है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध की भाषा थी पाली। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन नहीं आता है, तो इसमें जो लास्ट था कि रक्षा वित्त विभाग, वह उसके अंतर्गत नहीं आता है। बांग्लादेश के द्वारा कहां भारत में कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा, इसका आंसर होगा चेन्नई। ध्यानचंद फुटबॉल पुरस्कार 2017 दिया गया था, तो सैयद हकीम को। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। भारतीय रॉकेट से विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्षयान का नाम था स्प्राइट्स। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट सवाल था कि राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को वह फिर से भेज सकता है, तो उसका आंसर होगा 44वां संशोधन। फिर था कि प्रार्थना समाज का संबंध नहीं है, संबंध नहीं यहाँ पे था कि प्रार्थना समाज का डिमांड क्या नहीं था, वो उनकी मांग क्या नहीं थी, तो उसमें था कि दलितों से संबंधित यानी कि छुआछूत से संबंधित उन्होंने डिमांड नहीं किया था, इसका आंसर होगा डी। रक्त का थक्का जमना विटामिन के कारण। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो ऑप्शन में तमिलनाडु होगा, क्योंकि तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम 14वां है, श्री रामनाथ कोविंद जी का।
व्हाट डू आई डू के लेखक है रघुराम राजन। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बरोबदूर इंडोनेशिया में। रक्त का पीएच है 7.4, लेकिन ऑप्शन के अनुसार होगा 7.5 to 8। फोर्टी एट, सबसे पहला कच्चा माल अमेरिका से भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा था? आंसर इस पारद्वीप। सरकारी सीमा विवाद किस देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान, जो कि गुजरात में है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक कैग राजीव महर्षि। यूनेस्को डायरेक्टर जनरल होंगे आंद्रो अजीबे। ऑपरेशन दुर्गा का संबंध है हरियाणा से। चंगेज खां इल्तुतमिश के समय का था, यानी कि उसके समकालीन था। कौन सा कारक वायु प्रदूषक सूचक नहीं है? आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। नांगला प्रसिद्ध है उर्वरक और भारी जल के लिए। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? इसमें आंसर है शुगर इन वाटर, लेकिन कागज़ का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। गोल्डन राइस में मिलता है विटामिन कैरोटीन। ये गोल्डन राइस जेनेटिकली तैयार किया गया है, जिसमें कैरोटीन बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी है। वैश्विक भूख सूचकांक तैयार करता है IPFRI। अंतर्राज्यीय परिषद का की स्थापना कौन करता है? तो इसकी स्थापना राष्ट्रपति करते हैं, जो कि आर्टिकल 263 के तहत आता है शायद। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है? रावी नदी पर है। सुमेलित करने का ऑप्शन था, जिसमें लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, धौलावीरा गुजरात में है। कॉलिशन यस किसने लिखी थी? प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी यह 1996 to 2012, इस समय का था। इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा? रामचंद्र गुहा ने लिखा था। नौजवान सभा 1962 में भगत सिंह ने बनाया था। आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सेल है, क्योंकि सेल अवसादी चट्टान होते हैं। भारत से संबंधित सीमा नहीं लगती, तो ताइवान की नहीं लगती। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड पश्चिम बंगाल को मिला था। यूएन 2017 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो सतत पर्यटन विकास वर्ष के रूप में, और 2016 दालों के लिए था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। ICC महिला चैंपियनशिप 2017 कौन जीता? ब्रिटेन महिलाओं का। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई किस IIT ने शुरू की है? इसका आंसर है खड़गपुर। वो कला से संबंधित था एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे लिखा उन्होंने। वर्ल्ड यूनेस्को विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ? वर्ल्ड यूनेस्को सम्मेलन से संबंधित तो नहीं था, उसमें था कि यूनेस्को में कौन सा शामिल नहीं है वो ह्यूमन हेरिटेज से संबंधित, तो उसमें बीहू आंसर होगा। निजता के अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 में है। नाफ्टा में कौन सा है? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तेज ऐप का संबंध है डिजिटल पेमेंट ऐप से। हिंदी मास का पहला महीना आरंभ होता है चैत से। ग्रामीण सड़क से संबंधित निगरानी से संबंधित था, उसका आंसर होगा आरंभ। ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है तो वो चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए। भारत में हॉटस्पॉट कौन सा है? तो वो पश्चिमी घाट है। ऊर्जा संग्रह का संबंध किससे है? तो उसमें चार ऑप्शन थे, जिसमें चारों ऑप्शन सही थे। संपीड़ित वायु था, उसमें स्प्रिंग था, बैटरी था और एक और कुछ था। 40 वर्ष में कौन सा देश पेट्रोल से गाड़ी चलाना बंद कर देगा? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। खेती की गतिविधियां कथन कारण को पुष्ट करता है? ये सवाल तो हमें भी ध्यान नहीं आ रहा। 84 है ब्रिटिशकालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसका आंसर होगा रीड। मतदान में स्याही के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है, इसमें 86 में होगा। सिकंदर से संबंधित जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन थे वो सही थे, लास्ट ऑप्शन गलत था। ऑप्शन नहीं, लास्ट स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि उसमें 332 दिया था, जो कि 323 BC होगा। सो इसका आंसर होगा 1 और 2। 86 में, 87 आश्रम व्यवस्था से ब्रह्मचर्य था 25 साल तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी 75 से 100। ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा संग्रह के लिए ये उसमें जितना ऑप्शन थे वो सभी सही हैं। ब्लू चिप कंपनी का संबंध है आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी था। SDR का संबंध है यूरोपियन संघ, नहीं SDR से संबंधित, उसमें 5 ऑप्शन थे। SDR में जापानी येन होता है, US डॉलर होता है, ब्रिटिश पाउंड होता है, यूरो होता है और चाइनीज रेनमिनबी भी होता है। अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के बाद क्या करना चाहिए?
तो इसमें लिखा है प्रत्यक्षर को बढ़ाना चाहिए, इसमें हमें भी डाउट है कि इसमें क्या होगा। और कुछ और सवाल थे जो कि शायद इसमें मेंशन नहीं किया गया है, जैसे प्रियम्बल से संबंधित था, भारत प्रियम्बल मतलब उद्देशिका से संबंधित था कि संविधान की उद्देशिका से संबंधित दो या तीन स्टेटमेंट वाले सवाल थे। फिर उसके बाद था आपको इसमें और भी दो तीन सवाल थे, जिसमें एक पेटेंट से संबंधित था कि पेटेंट से संबंधित कौन सा सही होगा। तो पेटेंट वाले में आंसर होगा कि यह हमेशा के लिए पेटेंट नहीं होता है, पेटेंट कुछ समय बाद वापस ले लिया जाता है या आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर इसमें आपको कोई भी आंसर गलत लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि उसका सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर भी आप बताएं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।